पूछो, इस भरी सभा में मैंने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा? पूछो, पूछो मुझसे। मैं आपसे कुछ पूछना नहीं चाहता राव साहब। राव साहब, अगर आपके मन में हमारे लिए इतनी घृणा थी तो हमें यहाँ बुलाने की जरूरत क्या थी? आपने मेरे भाई के साथ जो कुछ किया ठीक नहीं किया। ठीक क्या है, गलत क्या है, अभी आपके सामने आ जाएगा सुलक्षणा जी। ये चांडाल जिसने आपके घर में सबके सामने हमें जलील किया, सारी बिरादरी के सामने हमारी बेइज्जती की, आज अपनी मक्कारी और धोखेबाजी की कीमत सबके सामने चुकाएगा। स्वर्गवासी राजा यशवंत राव राणा की औलाद इतने घोर अपमान के बाद भी चुप है, आज हमारे बहादुर राम को क्या हो गया? अपनी सफाई में कुछ तो बोलो। किस मुंह से बोलेगा ये बात? सुलक्षणा जी, ये बहरूपिया जिसे आप अपने खून का रिश्ता समझती, जिसे दिन रात भाई कहते आपकी जबान नहीं थकती, दरअसल ये नीच इंसान आपका भाई नहीं है। राव साहब ठीक कहते, ये मक्कार तुम्हारा भाई नहीं और न ही इसका नाम राम, तुम्हारे राणा खानदान से इसका कोई ताल्लुक नहीं। ये मेरा भाई इसलिए नहीं है कि अब आप इस पर मनमाने अत्याचार नहीं कर सकते, इसे जानवरों की तरह खूंटे से बांधकर इसकी खाल नहीं उधेड़ सकते। हमारे खानदान से इसका ताल्लुक इसलिए नहीं कि अब आपके सामने सर उठाकर खड़ा हो सकता है, आपके हर अन्याय का मुकाबला कर सकता है, इसलिए आप ये सब कह रहे हैं ना? तुम्हारा भाई ये इसलिए नहीं कि जिस माँ बाप की तुम संतान हो उसी माँ बाप का ये बेटा नहीं। राम के रूप में हम सबको धोखा देने वाला ये आदमी तुम्हारा भाई राम नहीं, बल्कि कागल गांव की एक मामूली किसान औरत का बेटा श्याम है। श्याम, बुलाइए इसकी मां को ताकि सब लोग अपनी आंखों से देख लें कि इसका असली रूप क्या है। बलराम, बुलाओ उसकी मां को। श्याम, मेरे लाल, मेरे लाल, तू फिर घर छोड़कर भाग रहा, तुझे क्या हो गया है मेरे लाल? सब लोग कौन है और तूने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया? बेटा बोल, बेटा किस लिए बुलाया? तुम कौन होती हो इसे बेटा कहने वाली? ये तुम्हारा बेटा श्याम नहीं बल्कि मेरा भाई राम है। राम, इसे कह दो कि तुम इसके बेटे नहीं। कह दो भैया। क्या क्या तुम मेरे बेटे को इतना नीच और दुष्ट समझती हो कि मुझसे कह देगा कि मैं इसकी माँ नहीं? इधर आ बेटा, तू ऐसा कहेगा कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ और तू मेरा बेटा नहीं है? इधर देख बेटा, तू ऐसा कहेगा कि मैं तेरी माँ नहीं और तू मेरा बेटा नहीं? बोल बेटा, ऐसा कहेगा? बोल मेरा लाल, ऐसा कहेगा? तो ऐसा कहेगा कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ? बोल बेटा। क्यों नहीं कहेगा? सच बात कहने में किसी का डर है क्या? तुम इसे कह दो राम कि तुम्हारा इसका कोई रिश्ता नहीं। तुम इस औरत को नहीं जानते कि कौन है और कहाँ से आई। कह दो, कहते क्यों नहीं? अरे वाह, अच्छा सबक पढ़ा रही हो। क्यों बेटा श्याम, तुम ऐसा कहोगे कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ? मैंने तुझे पाला पोसा नहीं, अपना खून जला जला कर मैंने तुझे बड़ा नहीं किया बेटा? बोल बेटा, आज इन धनवानों के कहे में आकर अपनी गरीब माँ को ठुकरा देगा मेरे लाल? मुझ पर इतना बड़ा अन्याय करेगा? नहीं मेरे लाल, ऐसा कहेगा कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ? बोल बेटा, ऐसा कहेगा कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ? नहीं माँ, रो मत, तू रो मत माँ, रो मत, रो मत माँ। तो फिर कभी मेरा राम कहाँ है? कहाँ है मेरा राम? ये जानने के लिए तुम्हें अपने सीने पर पत्थर रखना होगा सुलक्षणा। पत्थर रखना होगा? क्यों? इसलिए कि तुम्हारा भाई अब इस दुनिया में नहीं था। नहीं, नहीं। ये ठीक है सुलक्षणा, राम से मिलती जुलती शक्ल का फायदा उठाकर यही चंडाल राम को हमारे घर से भगा ले गया, राणे खानदान की दौलत को हत्याने के लिए इसने राम का खून किया और फिर खुद राम बनकर हमारे घर में घुस आया। ये आदमी जिसे कि तुम अपना भाई समझती रही हो, दरअसल में तुम्हारा भाई नहीं बल्कि तुम्हारे भाई का कातिल है। पुलिस ने इसके घर से राम के खून आलूदा कपड़े भी बरामद किए थे। झूठ बात है। झूठ क्या है और सच क्या है, ये अभी सबके सामने आ जाता। कांस्टेबल, आई एम सॉरी मिसेज गजेंद्र, एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से मुझे आपको चंद बातें पूछनी। ये लॉकेट आपके भाई कुमार रामचंद्र का है? ये कपड़े
अच्छी तरह से पहचान के जवाब दीजिए। ये कपड़े मेरे भाई के हैं, मेरे राम के, मेरे राम के। बता मेरे भाई ने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था मेरे भाई ने तेरा जो तुझे मार डाला? नहीं मारा। क्यों मार डाला मेरे भाई को? क्यों मार डाला भाई को? क्यों मार डाला? क्यों मार डाला? क्यों मार डाला? मिस्टर शाम, ताजी रात हिंद, दफा 419 और 301 के मातहत, भेष बदली और कुमार रामचंद्र के खून के जुर्म में तुम गिरफ्तार किए जाते। ये सब गलत बात है, ये सब इस आदमी का फरेब है, इसी की सारी मक्कारी है। मैंने कोई किसी का खून नहीं किया, मैंने किसी